सो हाय गाइस, यू आर वॉचिंग फ्री टाइम वाले। आज हम जा रहे हैं पोरबंदर जिले में मोचा हनुमान। मोचा हनुमान माधोपुर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो आप देख रहे हैं वो पूरा घेड़ विस्तार है। ये प्रदेश घेड़ प्रदेश इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि बाकी ज़मीनों से ये थोड़ा नीचे नीचे वाला विस्तार है, इसलिए। और कम बारिश में भी यहाँ पर पानी रोड पे आ जाता है। ये पूरा ये लो, हम आ गए मोचा हनुमान। माधोपुर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है ये। संकट मोचन हनुमान का ये मंदिर है। ये जो आप देख रहे हो मंदिर बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर काफी भीड़ भी है अभी। ये अभी हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर सब लोग जूते निकाल रहे हैं और ये और यहाँ पर सब प्रतिमाएं और ये सुंदर सा डेकोरेशन भी किया है मंदिर का। अंदर जाके हम पूरा दिखाएंगे कि मंदिर में क्या क्या है। ये अभी मंदिर का बाहर वाला ही हिस्सा है। यहाँ लोग पर्यटन के लिए भी आते हैं। और ये जो आप देख रहे हो मंदिर में मूर्तियाँ किस सजाई है। और ये आप हम आगे जाएंगे तो फिर ये जो आपको दिखाई दे रही है 3 बैलगाड़ियाँ किसे सजा के रखी है। इतने अच्छी तरह से इसको साफ सफाई भी किया है। मंदिर में कहाँ कहीं पर भी कचरा भी नहीं है। और यहाँ हमने प्रसाद भी लिया है। ये मंदिर का प्रांगण है। यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी है। ये जो आप देख रहे हो शिव जी का मंदिर है। और ये पूरा गार्डन है जो ये आप देख रहे हो। यहाँ पर सब खाना खाने और घूमने के लिए और आराम करने के लिए आते हैं। और ये सब बच्चे लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप जब माधोपुर आओ तो यहाँ पर अचूक आना। यहाँ पर वन भोजन के लिए भी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। अब हम जा रहे हैं मंदिर के पीछे वाले हिस्से में। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पर पीछे बैठने की व्यवस्था भी अच्छी है। ये पूरा गार्डन है। और अभी आप जो ये सब देख रहे हैं वो भूल भुलैया है बच्चों को खेलने के लिए। कैसे बच्चे सब रास्ता ढूंढ रहे हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं।
धन्यवाद। इसी तरह और प्राकृतिक स्थलों की हम मुलाकात लेंगे। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो नीचे कृपया कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्री टाइम वाले, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।